सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कैसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के फॉलोअर बढ़ा सकते हो, और जिस तरीके से मैंने अपने फॉलोअर बढ़ाए उसी तरीके को अपना कर आप भी अपने फॉलोअर बढ़ा सकते हो। और जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वो एकदम से सेफ एंड सिक्योर है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को एंड तक वॉच करना एंड बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सो जैसा कि हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, और अभी आप टाइमिंग देख लो टाइम कितना हो रहा है, और आपको लाइव प्रूफ के साथ फॉलोवर बढ़ा के बताने वाला हूँ। सो अभी आप मेरे अकाउंट पर चेक कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर चेक कर सकते हो कि कितने फॉलोवर हैं। सो अभी मैं आपको लाइव प्रूफ चेक करके बता देता हूँ। सो अभी आप देख लो मेरे जो फॉलोवर हैं 3900 प्लस फॉलोवर है, और आपको लाइव प्रूफ के साथ बढ़ा के बताने वाला हूँ। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच करना और इसकी बिल्कुल भी मत करना। सो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है एनएस फॉलोवर। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ऐप बिल्कुल ही फ्री है और सेफ है, इसे डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना है। सो जैसा कि आप इसको ओपन करेंगे सो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो आपको क्या करना है, आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर चले जाना है। सो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर चला जाता हूँ, और यहाँ पर जाने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल में चले जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद ऊपर आपको टॉप में 3 लाइंस दिख जाएंगी, इस पर चले जाना है। इस पर जाने के बाद सेटिंग के ऑप्शन पर जाना है। सेटिंग के ऑप्शन पर जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐड और स्विच अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे कि आप इस पर क्लिक करोगे सो यहाँ पर आपको ऐड अकाउंट पर क्लिक कर देना है। ऐड अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देना है। सो आप यहाँ से आपको एक अकाउंट क्रिएट कर लेना होगा। सो यहाँ पर आप जैसा कि यूजर नेम डाल सकते हो कोई सा भी, जैसा कि मैं आपको यूजर नेम डाल के दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ दीपेश। सो जैसा कि मैंने यहाँ पर दीपेश डाला, और यहाँ पर जो है थोड़ा शो हो जाएगा कि आप इस तरह का जो है यूनिक्स नाम रख सकते हो। सो दीपेश यहाँ पर 123 कर देता हूँ। सो यहाँ पर देखना कि सर्चिंग में कुछ इस तरह का आ रहा है। सो मैं इसको कर देता हूँ दीपेश 12338। सो मैंने इसको कर दिया है, नेक्स्ट कर दिया। यहाँ से आप पासवर्ड डाल सकते हो। सो मैं इसका पासवर्ड डाल देता हूँ दीपेश 123। आपको ऐसा ही अकाउंट बना लेना है, एक फेक अकाउंट बना लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कंप्लीट सिंग अप कर देना है, और जैसा कि आप इसको करेंगे सो कुछ थोड़ा लोडिंग लेगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, स्किप करते जाना है। इसको स्किप कर देना है, इसको स्किप करने के बाद फिर से स्किप कर देना है। और यहाँ पर आप जो है कोई सा भी फ़ोटो लगा सकते हो। यहाँ पर मैं कोई सा भी लगा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। सो यहाँ पर मैं कोई सा भी लगा देता हूँ, और जैसा कि मैंने लगा दिया। सो उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको एनएस फॉलोवर ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको जो ग्रीन कलर में आपको लॉगिन विथ न्यू मेथड पर क्लिक कर देना है। सो जैसा कि आप इस पर क्लिक करोगे सो यहाँ से आपने जो अकाउंट क्रिएट किया था सो उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल देना है। सो यहाँ पर मैं अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल देता हूँ, जैसा कि मेरा यूजर नेम था दीपेश। सो मैं यहाँ से अपना यूजर नेम डाल देता हूँ दीपेश 12331 2338। जैसा कि मैंने यूजर नेम डाल दिया, यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ दीपेश 123, और यहाँ पर लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद जो है आपका अकाउंट है जो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो यहाँ पर ऊपर की साइड टॉप मर आपको दिख रहे होंगे कॉइंस, कुछ कॉइंस। सो आपको जब फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करोगे सो यहाँ पर लॉगिन आपको 15 कॉइंस जो है आपको मिलता है फर्स्ट टाइम लॉगिन पर, ठीक है। नीचे की तरफ आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पर आपको नीचे आप जाओगे सो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा एक फॉलोवर ऑर्डर का, एक आपको साइड में दिख रहा होगा गेट कॉइंस का। सो आपको फॉलोवर बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको कॉइंस चाहिए होंगे। सो जैसा कि मैं गेट कॉइंस पर जाऊँगा, और गेट कॉइंस पर जाने के बाद सो यहाँ पर मैं जो है ऑटो मोड प्लस आपको रेड कलर में दिख रहा होगा, सो इस पर क्लिक करूँगा।
तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में स्टार्ट ऑटो फॉलो प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा, सो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो कॉइंस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सो मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ क्योंकि बिकॉज वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, सो मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी मेरे जो 100 कॉइंस हो चुके हैं और यहाँ पर मैं कैंसिल ऑटो प्लस पर आप यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और मेरे जो यहाँ पर है 118 जो है मेरे कॉइंस हो चुके हैं। और अभी मैं आपको अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाकर बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि भाई ने वीडियो स्किप किया तो भाई ने कुछ ना कुछ तो लफड़ा किया होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 3963 जैसे कि मेरे फॉलोअर थे, सो यहाँ पर जैसा कि मेरे हैं। और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करके आपको बता देता हूँ, सो जैसा कि मेरे अभी फॉलोवर नहीं बढ़ रहे। सो मैं फिर से उसी ऐप पर चला जाता हूँ और उसी ऐप पर जाने के बाद जैसा कि आपके पास यहाँ पर कॉइंस आ गए, जैसे कि मेरे पास 118 कॉइंस आ चुके हैं। सो यहाँ पर मैं जाऊंगा फॉलोवर ऑर्डर पर। सो फॉलोवर ऑर्डर पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो एक साइड आपको जो है फॉलोवर दिख रहा है और यहाँ से जो आपको कॉइंस दिख रहा है। सो यहाँ से आप जैसा कि मेरे पास 100 कॉइंस है, सो 100 कॉइंस में मुझे 50 फॉलोवर मिलेंगे। सो जैसा कि मैं 100 कॉइंस में 50 फॉलोवर ले सकता हूँ। एंड ऊपर की तरह आप देख सकते हो आईडी ऑफ द यूजर टू सर्च। सो जैसा कि आप जिस भी आईडी पर आप अपने फॉलोवर बढ़ाना चाहते हैं, सो उस आईडी को आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसा कि मैं अपनी आईडी पर बढ़ाना चाहता हूँ, सो मैं उस आईडी को सर्च कर लेता हूँ। सो जैसा कि मैं अपनी आईडी को सर्च कर लेता हूँ, सो आप भी जिस आईडी पर बढ़ाना चाहते हैं, सो उसी आईडी को आपको सर्च कर लेना है। सो जैसा कि मैं यहाँ पर अपनी आईडी को सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा। सो यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपकी आईडी जो है शो हो जाएगी। सो जैसा कि मेरी आईडी शो हो गई है, यहाँ पर मैं इस पर टैप करूँगा और टैप करने के बाद सेंड ऑर्डर पर क्लिक कर दूँगा। सो एस कर दूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो व्यू ऑर्डर्स पर। सो यहाँ पर देख सकते हो मैंने 51 रिक्वेस्ट भेजी, यानी कि मुझे 50 फॉलोवर मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख सकते हो कि जो कॉइंस थे वो भी यहाँ से कट चुके हैं। सो यहाँ से मैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि मेरे फॉलोवर अभी उतने ही हैं। एंड मैं अभी रिफ्रेश करके आपको बता देता हूँ। सो रिफ्रेश करके जैसा कि मैंने किया, सो यहाँ पर जो मेरे फॉलोवर हैं वो 4000 हो गए हैं और आप देख सकते हो जो मेरे फॉलोवर हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। सो आप ही देख लो भाई, लाइव प्रूफ आपको बता रहा हूँ, आपके सामने ही बता रहा हूँ। सो आप ही देख लो और आप डेली का 200-300 फॉलोवर बढ़ा सकते हो भी इजीली तरीके से। सो वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और भाई लोग बिल्कुल भी सेफ ऐप है, इससे आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी हैक नहीं होगा और आप जो भी बिल्कुल सेफ ऐप है इसको आप यूज़ करिए। सो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा उस वीडियो को लाइक करके जाना और इतनी मेहनत से वीडियो बनाया, सो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना।